वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से एक बार आ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। आई वेलकम ऑल टू द अन अकेडमी। आप सभी का स्वागत करता हूँ अन अकेडमी CSIR नेट यूट्यूब चैनल के ऊपर। फटाफट से एक बार कनेक्ट हो जाइए सभी, जल्दी से आ जाइए। आई वेलकम ऑल टू द अन अकेडमी CSIR नेट। फटाफट से आ जाइए एक बार। आज का अपना जो मामला चलने वाला है, आपको पता ही है कि हम स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी पे बात कर चुके हैं। बहुत अच्छा सा अपना मामला चल रहा था। जल्दी से एक बार ऑडियो का कंफर्म कीजिए सभी, ऑडियो का कंफर्म कर दीजिए। जबरदस्त एकदम आवाज़ क्लियर है बिल्कुल। और कल फिर तुम्हारे लिए एक मामला सेट किया है। देखिए, लगातार 14 घंटे का मैराथन, मैराथन नहीं महामैराथन बोलिए। 24 जुलाई कल सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक जबरदस्त मामला चलने वाला है। फटाफट से एक बार बोल दो, ऑडियो का कंफर्म है? बिल्कुल ऑडियो क्लियर है, ओके है एकदम। बोलिए जल्दी से। तो यहाँ आज का अपना जो काम रहने वाला है, सबसे पहले तो मैं कोड बता दे रहा हूँ। कोड चेंज है आगे से सारे। क्या कभी भी कोई यूज करेगा तो BCAM 10 यूज करेगा। BCAM पहले जो लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था वो यूज नहीं करना। कभी भी अगर कोई यूज करना चाहे तो चेंज है कोड। लास्ट टाइम जो बताया हुआ था RKB 10, Bisnoi 10, RKB Bisnoi 10, ये सब नहीं चलेगा। सिर्फ क्या चलेगा? BCAM 10। ठीक है, ओके। और कल ये जो होने वाला है अपना क्लास का स्टार्ट, मैराथन क्लास जबरदस्त रहने वाला है। मामला एकदम से फिट होगा 8 से लेके 10 बजे तक रात को, 14 घंटे का। इसके अलावा देखो भाई, अपनी जो क्लास चल रही है ऑर्गेनोमेटालिक्स में, उसमें हमने स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी पे बात कर लिया है। स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी पे बात हो चुका है बॉन्ड की स्ट्रेंथ को लेके। उसके बाद हमने वैल्यू पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों देख लिया है। क्वालिटेटिव तो हमने ऐसा देख लिया कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह को हम कंपैरिजन करके, और हम बता देते कि इसका स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा मुन्ना और इसका कम होगा। वहां तक तो मामला सही था। उसके बाद बात आई हम क्वांटिटेटिव पे, कि हमको तो ये जानना है कि कितना कम होगा कितना ज़्यादा होगा, कितना कम होगा कितना ज़्यादा होगा, मीन्स वैल्यू में बात करना था। तो उसमें वैल्यू में हमने बात कर लिया कि अगर टर्मिनल पे होगा तो कितना मिलेगा, ब्रिजिंग पे होगा तो कितना मिलेगा। इन सब बातों में हमने चर्चाएं कर ली थी डिटेल के अंदर। यहां तक सबका मामला फिट था, किसी को कोई डाउट था नहीं। जल्दी से एक बार बोल दीजिए कि सर यहां तक मामला सबको क्लियर था, नो डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं था। ठीक है, चलो अब उसके पहले मैं आगे स्टार्ट करने चलूं, उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए और सबके लिए। ये वाला अगर आप 6 मंथ का क्या लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको अब 7 मंथ के लिए मिल रहा है। मीन्स 1 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, प्लस 1 मंथ। चार्ज सेम रहने वाला है, मंथ आपको मिल जाएंगे 7, 6 की जगह क्या हो जाएगा 7। और अगर 12 महीने का लेते हो तो आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है, प्लस 2 मंथ, तो यहाँ आपका हो जाता है 14 मंथ। तो ये मामला आप देख सकते हो, और ये सिर्फ वैलिड है 31 जुलाई तक। 31 जुलाई तक है ये, 31 जुलाई तक ये मामला चलने वाला है। जल्दी से, तो जो लेना चाहता है वो इस डेट के अकॉर्डिंग लेगा तो एक उसको 1 महीने और 2 महीने का एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये वाला मामला, बात कुल मिला के बोलने का बात यही है। उसके बाद अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलते हैं। टेस्ट सीरीज मैं बहुत बार बता चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है भाई टेस्ट सीरीज का मामला। किसी भी नेट, किसी भी गेट, कोई भी एग्जाम हो निकालने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? टेस्ट सीरीज हो जाता है। अपने को पता होना चाहिए कि हम किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, हम कहाँ हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद अन अकेडमी पर आपको टॉप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलते ही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन की, कैसे लें, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, आपको अन अकेडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना होगा सबसे पहले। उसके बाद जैसे ही उसको क्या करोगे, अपनी कैटेगरी चूज करोगे CSIR UGC नेट, देन आपको क्या मिलेगा, प्लस। और उसके बाद आप जैसे प्लस पे क्लिक करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन, और आपके पास चॉइस आ जाता है कि 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, अपनी डेट के अकॉर्डिंग लेना होता है। आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 6 मंथ का लेना है, 12 मंथ का लेना है। अपनी एग्जाम के डेट को देखो, उसके अकॉर्डिंग लो। और उसके बाद मैं कोड फिर से बता दे रहा हूँ, कोड चेंज हो चुका है। पहले जितनी वीडियो थी उसके अंदर मैंने कुछ आपको RK 10 बताया, RK Bisnoi 10 था। कोड ये रहेगा फिक्स, BCAM 10 क्या रहेगा? BCAM 10। हेलो संदीप जी, हेलो, वेरी गुड इवनिंग।
तो जो ये वाला कोड है, आज के बाद जो भी अगर कोई यूज करेगा तो ये कोड यूज करेगा BCAM10, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ अगर आप BCAM10 में 1 मंथ के लिए अगर एग्जाम के अकॉर्डिंग देखते हो तो 26,010 रुपीज़ का, सॉरी 2,610 रुपीज़ का ये देख सकते हो आप ये सारा। उसके बाद यहाँ प्लस और आइकोनिक का दो है, दो टाइप का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस का है एक आइकोनिक का है। प्लस वाले में क्या होता है कि प्लस वाला उनके लिए ठीक है जिनको सब कुछ मामला फिट है, और आइकोनिक वाला उनके लिए कि उनको जिनको कैसा कि आज पढ़ लिया तो 3 दिन बाद क्या पढ़ना है बिल्कुल स्ट्रेटेजी नहीं है उनके लिए, मीन्स पर्सनल कोच भी मिल जाता है, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ये सारा मामला आइकोनिक में एक्स्ट्रा मिलता है, ये वाला एक्स्ट्रा है। प्लस वाला तो सारा ही होगा इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, यहाँ आपको पर्सनलाइज्ड गाइडलाइन मतलब गाइडेंस मिल जाती है एक बंदे के अंडर, मीन्स आप एक जैसे आपको बोलता है नहीं कि बेटा आज आपको ये पढ़ना है, 3 दिन बाद तेरे को ये पढ़ना है, 3 दिन बाद उसके बाद तेरा टेस्ट होगा, ये आगे इसके फीचर्स हैं अलग अलग वो आपको अलग से मिलेंगे। ये प्लस के लिए है और इस पे भी 10% डिस्काउंट है। BCAM10 RKB जो भी मैंने आप तक बताया था जितनी वीडियो के अंदर है वो नहीं है, कोड चेंज कर लिया, वो ज़्यादा बड़ा था ये वाला RK बिश्नोई करके था जो वो बहुत बड़ा था, सिर्फ क्या है BCAM10, ठीक है। कैम तो याद ही होता है सबको, केमिस्ट्री वालों को कैम तो याद ही होगा, कैम तो याद ही होता है सबको, केमिस्ट्री है तो ठीक है। अब चलो अपना आगे, ये है आइकोनिक के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें प्लस और आइकोनिक की, तो ये अपने पास मामला है आइकोनिक का एक्स्ट्रा, इसमें आपको पर्सनल कोच मिल जाता है जो कि आपको गाइड करता रहता है कि आपको ये पढ़ना है, ये नहीं करना है, वो करना है, स्टडी प्लानर, बाई वीकली रिव्यू, आपके टेस्ट वगैरह, स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग, आप पर्सनली डाउट सॉल्व कर पूछ सकते हो, अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हो, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट के द्वारा जो खुद से कुछ क्वेश्चंस वगैरह फ्रेम किए होते हैं वो आपको अलग से मिल जाते हैं। तो बोलिए जी यहाँ तक ये सबको क्लियर है, और ये वाला बहुत जल्दी हाइक करने वाला है, बहुत जल्दी हाइक करने वाला है ये मामला, तो जल्दी से इनरोल हो सकते हो आप जल्दी से जल्दी। उसके बाद यूट्यूब सेशन की बात कर ली जाए तो यूट्यूब सेशन रात में हम डेली 9 PM मिलते हैं, रात में और सुबह में 9 बजे, दोनों टाइमिंग 9 का है दिन का, दोनों लाइव सेशन 9:09। सुबह में अपना PYQ चल रहा है बायो इनऑर्गेनिक का और यहाँ ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लो भैया आज की, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लो जो कि मैं बताना ही भूल गया आपको इतनी देर, स्पेशल क्लास पे हेट्रो NMR चल चुका है, 31 PNMR ये वाला मामला स्टार्ट हो चुका है, 31 PNMR स्पेशल क्लास पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो 31 PNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी हेट्रो NMR मैंने स्टार्ट करवा दिया है, वो ज्वाइन करना चाहता है कोई स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है। यहाँ मैथमेटिकल साइंस और केमिकल साइंस के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, इसके अलावा 30 जून को आप इनको ज्वाइन 30 जून से और 40 जुलाई से इनको ज्वाइन कर सकते हो। बग्स बंटी क्या है, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट वाला, इसको आप चैलेंज कर सकते हो। अब चलते हैं हम आज का अपना जो लेक्चर है उसके ऊपर, कि अपना लेक्चर कहाँ से हमने, ये तो बहुत पीछे का लेक्चर है, अपने को जानना पड़ेगा कि अपना लेक्चर कहाँ है, ये शो क्यों नहीं हो रहा, ये वाला ऑल स्लाइड में देखते हैं अपना लेक्चर नंबर आज का जो रहने वाला है, ये फर्स्ट लेक्चर 16 हो गया, यहाँ स्टार्ट 16, देन 17 स्टार्ट, देन हेयर, ये हेयर यहाँ से अपना मामला है 18th लेक्चर का, लेक्चर नंबर 18 का यहाँ जो मामला है ये अपना 18 का रहने वाला है। 17 स्टार्ट एंड हो चुका है, 18 स्टार्ट करना है अपने को, लेक्चर नंबर 18। चलो जी अब मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ, स्पेशल क्लास पे चल रहा है जबरदस्त मामला, स्पेशल क्लास पे मामला चल रहा है, स्पेशल क्लास एप्लीकेशन के ऊपर आपको स्पेशल क्लास जो फ्री में मिलता है वहाँ 31 PNMR या ये बोलो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या हो रहा है स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हो उसको फटाफट से, ठीक है जल्दी से, बहुत बढ़िया। अब देखो अब चलते हैं हम आगे, ये शायद कल क्वेश्चन हुआ था या नहीं, व्हेन द कंपाउंड ए इज हीटेड विद CO गैस इज ड्राइवन ऑफ, शायद ये कर लिया था कल, चलो फिर भी एक बार डिस्कस कर देता हूं मैं। कंपाउंड ये बोला गया है कि व्हेन ए कंपाउंड इज हीटेड, कोई कंपाउंड ए है जिसको हीट किया जाता है तो क्या मिलता है अपने को, ये शायद कल का क्वेश्चन है, हो भी गया हो शायद लास्ट वाले लेक्चर में, अगर हो गया है तो स्किप कर देना वीडियो को, 5-4 मिनट का वीडियो यहाँ से आगे आप स्किप करके देखना, अगर लास्ट वाला लेक्चर आपने देखा तो शायद उसमें करवा भी दिया था।
ड्राइवनोप कहता है कि प्रोडक्ट में से ए में से सीओ गैस बाहर निकल जाता है, प्रोडक्ट बी सो फॉर्म्ड। रेडली रिएक्ट विद सीओ एंड रिवर्स द रिएक्शन, कि सीओ के साथ रिएक्ट कर जाता है और रिएक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। आई आर स्पेक्ट्रल स्टडी पे अपना तो मेन मतलब इससे अपने को, तो कहता है कि वी सी ओ फोर ए है ना जो आता है 1960 के ऊपर, कहता है 1960 सेंटीमीटर इनवर्स, और बी वाला आता है 1850 पे। तो मामला ये है कि सर बी वाला ए वाला 1950 पे और बी वाला 1850 पे है, तो अपने को ए और बी का स्ट्रक्चर ए और बी का स्ट्रक्चर बताना है बेसिकली। तो सबसे पहले मेटल मेटल बॉन्ड काउंट कर लेते हैं कि मेटल मेटल बॉन्ड कितना बना होगा। तो एक बात देखो, अगर इसका वैल्यू जो ए वाला कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर सारे के सारे कितने आ रहे हैं, 1960 पे बैंड आ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि इसका मैंने रेंज तुमको बता दिया था 1850 से 2120। अगर इसके बीच में मिले तो अपने को पता था कि सारे के सारे सीओ क्या बोल दोगे, जिस सारे के सारे सीओ कहाँ है, टर्मिनल पे है, होल सीओ आर एलेट टर्मिनल पोजिशन, कि सारे सीओ कहाँ है टर्मिनल पोजिशन पे है, ये बोल देंगे हम। और अगर मामला हुआ ये वाला 1850 वाला, तो हमें पता है कि 1750 से लेके 1850 तक, और कई बार 1860 भी मिलता है, तो इस रेंज को हम किस में बोल देंगे कि ये ब्रीजिंग में है, कहाँ है ब्रीजिंग में। और ब्रीजिंग में भी कैसा, दो मेटल को बाइंड किया हुआ है, मतलब क्या है, दो मेटल को। तीन वाले के लिए मामला अलग हो जाएगा, वो मैंने डिस्कस कर दिया था, तीन वाले के लिए मामला अलग हो जाएगा वो डिस्कस कर दिया था। तो अब अपने को कुछ नहीं देखना इसमें, मेटल मेटल बॉन्ड जब तुम काउंट करोगे तो 5 + 9 + 6, और बाहर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये अपने पास बन गया 11 और 9 20 ज़्यादा बन रहा है क्या, रुको 6 है, क्रोमियम मेटल है, क्रोमियम मेटल है, देन 5 + 6 + 6 × 2, तो ये अपने पास बन गया 6 6 12 5 17, तो एक डबल 34 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो मेटल मेटल एक बॉन्ड आएगा, मुझे पता है 34 आ रहा है, तो 36 - 34 / 2 1, तो मतलब एक मेटल मेटल बॉन्ड आएगा। और स्पेक्ट्रल डाटा से हमें ये पता चल गया कि यहाँ मोलिब्डेनम मोलिब्डेनम के बीच में बॉन्ड तो एक होगा, बट यहाँ देखो ये वैल्यू जो आ रहा है 1960 पे आ रहा है, तो सारे के सारे सीओ क्या होंगे, टर्मिनल पे होंगे, मतलब तीन तीन सीओ क्या है टर्मिनल पे है, दोनों पे तीन तीन सीओ क्या होंगे टर्मिनल पे होंगे, बिल्कुल बोलो भाई। और इसके अलावा जो सीपी रिंग है वो क्या हो जाएंगे, वो भी यहाँ लग जाएंगे, लो उसमें क्या दिक्कत है, ये लो आ रही है बात समझ में, यहां तक मामले में सबको कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही बी वाले स्ट्रक्चर पे पहुंचे तो उसने बोला कि उसका जो सिग्नल मिल रहा है ना वो 1850 पे मिल रहा है, तो इसका मतलब यहां मामला क्या रहने वाला है, और ऊपर से दो सीओ भी कम हो चुके हैं। जब इसका तुम मेटल मेटल बॉन्ड काउंट करोगे तो इसका तुम पहले मेटल मेटल बॉन्ड छोड़ दो, ऐसे ही काउंट कर लो कि यहां सारे के सारे सीओ कहां रखोगे, टर्मिनल पे, सॉरी ब्रिजिंग पे, तो चार सीओ है तो मैं चारों को कहां रख देता हूं, ब्रिजिंग पे, चार के चार सीओ को मैं कहां रख देता हूं, ब्रिजिंग पोजिशन पे, ये लीजिए ब्रिजिंग पे, ये लीजिए ब्रिजिंग पे, ये वाला मामला, और एक एक सीपी रिंग है इसके ऊपर, ये लीजिए एक एक सीपी रिंग। अब तुम देखो कि ब्रीजिंग लिगेंड का मुझे पता चल चुका है कि बी जो लिगेंड है वो ब्रीजिंग, जो कार्बोनिल है वो सारे ब्रीजिंग पे होंगे, क्योंकि मुझे जो स्पेक्ट्रल डाटा दिया है उसकी रेंज दी हुई है 1850। अब एक बात देखो, अगर मैं इस मोलिब्डेनम के लिए चेक करूंगा तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 5 यहाँ से, 11 और 11 और एक एक कार्बोनिल से, मान लो हर कार्बोनिल से एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, भाई कार्बोनिल टर्मिनल एज वेल एज ब्रीजिंग पे दो इलेक्ट्रॉन देता है, कार्बोनिल ब्रीजिंग एज वेल एज टर्मिनल पे दो इलेक्ट्रॉन देता है, तो वन यहाँ से और एक यहाँ से, मतलब चार इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये चार इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है वो जो चार इलेक्ट्रॉन है वो सारे कार्बोनिल से आ रहे हैं, तो इसके पास चार इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, और ये कितना बनेगा टोटल, टोटल बन गया अपने पास 15। अब इसका मतलब यहाँ तीन मेटल मेटल बॉन्ड आपके बनेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसके अंदर देख लो, यहाँ सारे टर्मिनल पे थे, यहाँ सारे ब्रिजिंग पे थे, अपने को मेटल मेटल बॉन्ड का नहीं मामला मांगता, अपने को मांगता सिर्फ ये वाला चीज, किसने ये चीज दिया है, और हमें आईआर स्पेक्ट्रा पे हम बात कर रहे हैं, तो ये लिए अपने लिए था इंपॉर्टेंट बात कि 1960 और 1850 दिया हुआ है, इसके बेस पे मुझे प्रिडिक्ट करना था। और आज वाला जो क्लास हुआ है ऐप के ऊपर 31 पीएनएमआर का, पीएनएमआर का आज का जो क्लास था 31 पीएनएमआर का, मैं कहता हूं मामला एकदम फिट था वहां, अगर किसी ने देखना हो तो एप्लीकेशन स्पेशल क्लास में जाके देख लेना। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, 31 पीएनएमआर स्पेशल क्लास में स्टार्ट करवा दिया है, एप्लीकेशन के ऊपर है, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही है, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर दी है मैंने आज, एक लेक्चर हो गया है 31 पीएनएमआर पे, और कल और होने का एक क्लास। बिल्कुल नंदिस,
क्लास इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की ऐप के ऊपर चल रही है, जाके देख लेना। 1:07 बजे हो चुका है, बाकी कल होगा, 2 क्लास कल होगा ऐप के ऊपर। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जहां से देखो हेट्रो एनएमआर का क्वेश्चन जहां से आता है ना, हेट्रो एनएमआर का क्वेश्चन जहां से हेट्रो एनएमआर का क्वेश्चन आता है, जैसे तुमने देखा होगा सैटेलाइट पीक पूछता है, कभी कभी कुछ पूछता है, कभी पूछता है किसके बीच में कितना सिग्नल होगा, नाइट्रोजन का देता है, बोरोन का देता है, इस टाइप से पूछता है। बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग। तो ये वाली क्लास चालू हो चुका है एप्लीकेशन के ऊपर, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब मैं अगले टॉपिक पे आता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, जो भी आएगा वो देख लेगा, यहाँ जो नया स्टूडेंट आएगा वो देख लेगा। स्पेशल क्लास के अंदर चल रहा है अपना टॉपिक, स्पेशल क्लास के अंदर कौन सा टॉपिक चल रहा है, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसके अंदर भी क्या चल रहा है, अभी मैंने आज हेट्रो एनएमआर स्टार्ट किया है, हेट्रो एनएमआर, हेट्रो एनएमआर 31 PNMR पे एक लेक्चर ले लिया मैंने, सब क्लियर कर दिया है सर, बिल्कुल मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। वहां विल्किंसन के, विल्किंसन कैटलिस्ट का क्या लगेगा, क्या सिग्नल देगा, कौन पहले स्प्लिट होगा, कौन बाद में होगा, एक लेक्चर में इतना मामला तो निपटा दिया है 60 मिनट में। 31 का काफी काफी मामला एकदम क्लियर हो चुका है। और एक और बता देता हूँ, एक बात और सुन लो, जो 31 PNMR वाला जो हेट्रो एनएमआर है ना, ये 4 नंबर का आता है एक क्वेश्चन, और अगर ऑर्गेनिक वाला तुम एनएमआर देखोगे तो वहां से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाता है पार्ट सी के अंदर, और कम से कम ये मिनिमम 10 मार्क्स मांग लो ऑर्गेनिक वाले के, मिनिमम 10 मार्क्स। और उसके लिए कितना पढ़ना पड़ता है तुमको, कितना पढ़ना पड़ता है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है क्या, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है उसके लिए। आए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, कपलिंग कॉन्स्टेंट का वैल्यू, ऑर्थो पे लगा है कि मेटा पे लगा है, क्रॉस कॉन्जुकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वैल्यू को घटा दिया है, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दिया है, लोन पेयर ले लिया है, यहाँ कुछ भी नहीं देखना मुन्ना, यहाँ तो मामला ही सारा 5 घंटे का है, यहाँ तो सारा मामला ही 5 घंटे का है, 5 घंटे के अंदर 4 नंबर मतलब पार्ट सी के अंदर में से एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म। अब चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ IR बैंड निकालना है, क्वेश्चन ऐसे आता है। अब तक जो हमने डिस्कस किया था वो क्या किया, हमने सिर्फ ये देखा कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी μCO वाली वैल्यू निकालनी देखी, पहले तो हमने क्वालिटेटिव देख लिया कि कौन ज्यादा कौन कम नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के बेस पे, और यहां हमने क्या किया, अब जो हमने स्टार्ट किया है वो क्या किया है, अब जो हमने स्टार्ट किया है वो किया है कि हमको ये पता करना है कि मॉलिक्यूल के अंदर कितने IR बैंड है। यहां से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल यहां से बिल्कुल क्वेश्चन आता है, यहां से बिल्कुल क्वेश्चन आता है, वो कैसे पता चलेगा, देखो भाई यहां से जो क्वेश्चन आता है वो, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि कोई मेटल है, कोई भी मेटल है, मान लीजिए क्रोमियम है और CO6 है, और आपसे बोल देगा कि इसमें नंबर ऑफ IR बैंड बताओ, अब तुम इसका टर्मिनल का फ्रीक्वेंसी तो तुम बता दोगे कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसका आएगा जी 1850 से लेके और 2120 के बीच में, क्योंकि तुम्हें पता है सारे के सारे टर्मिनल पे है। बट तुमसे ये पूछ रहा है कि, मैं ये नहीं पूछ रहा कितने पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, ये फलाना ढिमकाना ये नहीं पूछ रहा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इसके बैंड कैसे कितने शो होंगे, ऐसे ऐसे कितने शो होंगे, अगर स्पेक्ट्रम में बात करें तो कितना पीक आएगा उस पे बात करना है। तो उसके लिए क्या करना है, अब देख लो, अगर मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप आपको दिया हो, जिस किसी भी मॉलिक्यूल का पूछ लो, हेलो हेलो तौसीफ, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग तौसीफ, तू भी देख लेना, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्लास डाल दिया है आज, स्पेशल क्लास तौसीफ अभी आया है, ठीक है, स्पेशल क्लास। तो जब भी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप C2V हो, जब भी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या हो, C2V हो और CSO, अभी तुम्हें कोई मॉलिक्यूल देगा, कोई कंपाउंड देगा और बोलेगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ IR बैंड बता दो कितना आएगा साहब, क्योंकि तुमने सब कुछ सीख लिया है अब तक, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी वाला मामला, मेटल कार्बन वाला सारा तुम्हारा निपटा चुके हैं। अब तुमको करना है कि C2V पॉइंट ग्रुप हो या CS पॉइंट ग्रुप, CS पॉइंट का ग्रुप का मतलब है सिर्फ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, बाकी कुछ ना हो, तो उसमें तुम लगा देना कि नंबर ऑफ सिग्नल उतना ही होगा जितना उसके अंदर सी होगा, नंबर ऑफ IR सिग्नल इक्वल टू नंबर ऑफ CO लिगेंड, नंबर ऑफ CO लिगेंड्स, जितने नंबर ऑफ कार्बोनिल्स होंगे उतने ही वो क्या हो जाएंगे, उसके सिग्नल हो जाएंगे, उतने ही क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सिग्नल हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है भाई। अब देखो तुम आगे, अगर मैं बात करूं कि अगर पॉइंट ग्रुप किसी मॉलिक्यूल का, अगर किसी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप आता है टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल, परफेक्ट टेट्राहेड्रल और परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, परफेक्ट टेट्राहेड्रल हो जाए, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल हो जाए, तो उस केस में क्या लगा देना है, नंबर ऑफ IR सिग्नल इक्वल टू 1, कि जितने भी सीओ होंगे सबका एक ही सिग्नल आएगा, क्या आएगा, सबका एक ही सिग्नल आएगा,
आ रहा है बात समझ में? ये बात समझ में आ रहा है क्या? सबका एक ही सिग्नल मिलेगा उस केस में, ठीक है। तो अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आएगा, कैसे क्वेश्चन को करना है, मेन मुद्दा वो है, मुद्दे की बात है कि क्वेश्चन कैसे आएगा और हमको कैसे देखना है। आज मैं तुमको सिर्फ करवाऊंगा ML6 का मामला, ML6 मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मामला चलेगा आज। आज के मामले में सिर्फ बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में, ठीक है। और स्पेशल क्लास देख लेना भाई, जिसको भी इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी 31 PNMR, अगर मैं बोल दूं 103 Rh NMR, इनमें दिक्कत किसी को आता है पेपर के अंदर, चाहे बोरोन का हो, चाहे नाइट्रोजन का हो, चाहे जिनोन का हो, चाहे टंगस्टन का हो, 183 का हो, PT का हो, HG का हो, 199 का हो, 193, इनमें किसी में भी दिक्कत आए तो स्पेशल क्लास पे क्लास स्टार्ट हो चुका है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का, एक लेक्चर हो चुका है, दो लेक्चर कल होंगे, तो उनको देख सकते हो तुम, ठीक है। अब देखो आगे, नंबर ऑफ IR बैंड, अगर मैंने तुमसे इन मॉलिक्यूल के बारे में पूछ लिया तो मुझे जल्दी से बता दो कि क्या होने वाला है। नंदिश और तौसिफ जल्दी से आंसर दे दो, जो चीजें मैंने बताई है उसके बेस पे, कि कौन से में कितने, ए में कितने आएंगे, बी में कितने आएंगे और सी में कितने आएंगे। नंबर ऑफ IR बैंड बता दो कितने कितने आएंगे तीनों में, ए बी एंड सी के अंदर नंबर ऑफ IR बैंड कितने आएंगे, जल्दी से रिप्लाई कर दो, फटाफट से जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दो, जल्दी से। बोल दो एक बार जल्दी से रिप्लाई करो, ऐसे लेट हो जाएगा फिर ऐसे तो मामला। जल्दी से आंसर कर दो, जब तक तुम आंसर कर रहे हो मैं यहां लिख दे रहा हूं, 31 PNMR, स्पेशल क्लास चल रहा है, स्पेशल क्लास देख लेना, स्पेशल क्लास एक एक दो आ रहा है, स्पेशल क्लास बहुत रे बढ़िया, होशियार हो गया तू, इंटेलिजेंट हो गया नंदी से। स्पेशल क्लास 31 PNMR का एक लेक्चर हो चुका है, 31 PNMR या इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, बोलो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सिर्फ तू भी आंसर दे दे, तब तक ये वाली क्लास से देख लेना भाई जाकर, 1 1 2, बिल्कुल भाई दोनों का ठीक है। देखो भाई कुछ भी नहीं करना, पॉइंट ग्रुप, अरे ग्रुप थ्योरी तो पढ़ लिया होगा, ग्रुप थ्योरी पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ा तो अपना ज्यादा काम का तो नहीं है, थोड़ा सा काम का है। पॉइंट ग्रुप का मामला सिर्फ C2V थोड़ा थोड़ा है, वो नॉर्मल तुमको समझ आ जाएगा, बाकी ये लेक्चर देखने के बाद तुम्हारा मामला क्लियर है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, जब भी टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल हो, तो मैंने तुमको बता दिया टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल हो तो नंबर ऑफ IR बैंड कितना आएगा, टाइम क्या है, आज का क्लास हो गया 7 बजे, तुम फेसबुक पे जुड़े नहीं हुए हो मेरे साथ, वरना वहां लिंक मिल गया था तुमको, तुम फेसबुक पे नहीं जुड़े हो वरना तुम्हें वहां लिंक मिल जाता, 7 बजे है, 7 बजे। एक तो हो गया आज शाम को, एक लेक्चर तो हो चुका है 7 PM, उसको तो तुम रिकॉर्डेड देख लो, और कल में होगा एक 10:30, एक कल में 10:30 होगा, 10:30 सुबह में, एक सुबह में कल 30 पे होगा, एक रात में होगा, एक कल शाम को फिर लगाता हूँ, अभी शेड्यूल कर देता हूँ देख लेना। विशाल मानस जी बोल रहे हैं 112, बिल्कुल जी बहुत बढ़िया, 112 ही आएगा। आ रही है वाली बात समझ में? विशाल था भाई क्लास में, इसको पूछ लो कैसा था मामला, विशाल क्लास में था, इसने देखा था बस, एक बंदे ने, इसको पता था कि क्लास हो रहा है। देखो भाई ये जुड़ा हुआ है टेलीग्राम चैनल और हर जगह जुड़ा हुआ है, तो इसको पता है, ये ज्वाइन किया। अब देखो भाई यहाँ तो टेट्राहेड्रल है, तो यहाँ भी वन हो जाएगा, यहाँ भी वन हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, ये आयरन है भाई, यहां क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं बीच में आयरन को मानता हूं तो एक CH3 इधर को है और एक इधर को, क्या अपने CO एक इधर को है, एक उधर को है, और बीच में से क्या है, CO है, तो अगर तुम CO को तो काट दोगे, एक प्लेन काट देगा इसको, तो इन दोनों को तो एक प्लेन काट देगा, या इनको ये बोलो कि इन दोनों को प्लेन रिफ्लेक्ट कर देगा, उन सबको काट देगा, मेटल को, आयरन को, सीपी रिंग को और CH3 को, मेटल को काटेगा, सिर्फ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सिर्फ CS है, और CH है तो अपने को पता है कि क्या है, CS के लिए मैंने तुमको बता दिया कि जब पॉइंट ग्रुप CS हो तो नंबर ऑफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, मामला जबरदस्त था भाई लोगों, देख लो भाई सुन लो, मामला जबरदस्त था, देख लो सुन लो स्पेशल क्लास का, अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख लेना, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो एक विल्किंसन वाला एक एग्जाम्पल डाला था अच्छा सा, तो अभी तो मामला बहुत आना बाकी है, अभी तो आज पहला लेक्चर हुआ है, तो ये वाला इसका मामला सबको क्लियर हो गया कि यहाँ CS मिट्री है, तो मामला ऐसा है सर,
ये बात क्लियर होगी। अगर पॉइंट ग्रुप सी टू बी या सी एस आ जाए तो जितना कार्बोनिल दिख जाए तुमको उतना नंबर ऑफ आई आर सिग्नल लगा देना। ये जो आई आर वाला है ना, ये आई आर वाला जो मामला है, इसमें गेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नेट में तो पूछता है। गेट 2019 में पूछ लिया, सिंपल डायरेक्ट दे के फॉर्मूला और पूछ लिया जी सिग्नल बता दो इसके अंदर, और वो भी अभी मामला जब तुम ये सारा कर लोगे तो लास्ट में मेरा तो काम है क्वेश्चन करवाने का, बाद में क्वेश्चन लगाते हैं, पहला कंसेप्ट करेंगे। तो आज सिर्फ तुम्हें एमएल सिक्स का मामला करवाऊंगा मैं, और अब हम चलते हैं ये वाला मामला एमएल सिक्स, मतलब मेटल और मेटल के साथ छह सीओ लिगेंड, क्या हो छह सीओ लिगेंड्स हो। ये वाला मामला अपना बहुत जोरदार है, काम का रहने वाला है, एकदम क्लियर है भाई, बिल्कुल बात ठीक है तुम्हारी अगर क्लियर है तो। अगर मैं इसकी बात करूं तो तुमको अगर ऐसा दे दिया जाए मेटल और छह सीओ लिगेंड लगाए रखे उसके साथ, तो सिंपल सा बात यह है कि अगर मेटल के साथ छह लिगेंड लगे हुए हैं तो मैं मेटल को मान लेता हूं क्रोमियम या मोलिब्डेनम मान लो, क्योंकि 18 बना लेगा ये इलेक्ट्रॉन। और इसका आइसोमर क्या बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है अपने को आइसोमर और स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर मैं इसके लिए बात करूं तो तुमको पता है कि मेटल है 1 2 3 4 और 5 और 6, तो ऑक्टाहेड्रल के केस में सारे लिगेंड सेम हो तो कोई मामला नहीं बनता, जिधर से देखो साफ एक जैसा ही दिखता है सारा, जब से देखो एक तरफ ही दिखता है। तो ये सॉरी आइसोमर की जगह स्ट्रक्चर बना दिया, आइसोमर तो इसका कुछ होगा ही नहीं क्योंकि एक ही होगा, एक ही स्ट्रक्चर बनेगा इसका, ये लो एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, बना दिया मामला फिट है जी, एक ही बनेगा। और पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए मैंने तुमको बता दिया, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल और सी टू वी और सी एस ओ, सी टू वी सी एस पॉइंट ग्रुप हो तो जितना कार्बोनिल तुमको दिख जाए उतना ही क्या हो जाएगा, जितना कार्बोनिल दिख जाए उतना ही उसका आई आर बैंड मिल जाएगा। और ऑक्टाहेड्रल के केस में और टेट्राहेड्रल के केस में, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल एंड परफेक्ट टेट्राहेड्रल के केस में आपको सबका एक ही सिग्नल दिखेगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रत्ती भर भी डाउट नहीं आना चाहिए इसके अंदर, इसके अंदर रत्ती भर भी डाउट नहीं आना चाहिए आपको बिल्कुल भी। अब बात आती है कि इसमें एक मामला यहां बिगड़ जाएगा जब एक लिगेंड को बदल दिया, अगर मान लो यहां एक लिगेंड को बदल दिया, ऑक्टाहेड्रल का कॉम्प्लेक्स है और उसके अंदर से एक लिगेंड लगा, कार्बोनिल निकाल दिया और कोई और लिगेंड लगा दिया, मान लो क्लोरीन लगा दिया, मामला कुछ ऐसा था सी आर सी ओ सिक्स था, एक सीओ को बाहर कर दिया और क्लोरीन को लगा दिया, ऐसा बन गया सी आर सी ओ फाइव और सी एल, ये मामला बन गया। अब ऐसा अगर बन गया कोई भी एक लिगेंड लगाने के बाद तुम मान लो, तो फिर क्या होगा, फिर क्या ऑप्शन है अपने पास, आइसोमर तो फिर भी नहीं बनेगा क्योंकि एक ही है, उसको कहीं रख लो उसके सामने सीओ आएंगे, बगल में भी सीओ आएंगे, आइसोमर का तो मामला ही खत्म हो जाता है वहां, आइसोमर का तो मामला ही खत्म हो जाता है यहां, बोलो मुन्ना लोग एक बार इसमें। तो इसका मतलब मैं ये बोलता हूं तुमको, यहां सीओ है, यहां भी सीओ है, यहां भी सीओ है और यहां भी सीओ है, और एक मेरे पास ये वाला सीओ है, एक भाई मेरे पास ये वाला सीओ है यहां वाला, और यहां मेरे पास लिगेंड एल है। अब तुम इसके लिए मुझे पॉइंट ग्रुप बताओ कि पॉइंट ग्रुप क्या हो सकता है, पॉइंट ग्रुप क्या लगता है तुमको, पॉइंट ग्रुप क्या लगता है, सी फोर वी किस किस को दिख रहा है पॉइंट ग्रुप, सी फोर वी, सी फोर वी पॉइंट ग्रुप किस किस को दिख रहा है, सी फोर वी परफेक्ट, सी फोर वी किस किस को दिख रहा है। देखो अगर मैं इन चारों को एक ऐसे मान लूं, ऐसे है ऐसे, और ऊपर से जब रोटेट करूंगा तो सी फोर वी, सी फोर एक्सिस हो गया, सी फोर एक्सिस हो गया, पॉइंट ग्रुप देख लेना रहा एक बार, अगर पॉइंट ग्रुप भी नहीं समझ आएगा ना, किसी को ग्रुप थ्योरी अच्छा नहीं लगता, तो जो मामला मैं बता दूं वो लगाना फिट बैठ जाएगा तुम्हारा मामला, बस ये याद रखना पड़ेगा तुमको, इसको तो याद ही नहीं रखना, इसको तो हटा ही दो, इसको तो याद ही नहीं रखना, ये तो तुम देखते बता दोगे। इसके अंदर देखो क्या रहेगा, एक लिगेंड लगाओगे तो जब भी एक लिगेंड तुमको दिखे, यस सर, जब भी एक लिगेंड दिखे तुमको तो सी फोर वी पॉइंट ग्रुप आया, तो उस टाइम तुमको क्या करना है, सिग्नल तीन लगाना है, सिग्नल कितना लगाना है, तीन लगाना है। इसमें एक केस और बनता है, वो नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, तुमको इन दोनों का एक मानना है कि सर इन दोनों का एक सिग्नल, ऐसे मान लेना याद रह जाएगा तुमको, और इन दोनों का एक मान लेना, इन दोनों का क्या करोगे, एक सिग्नल ये वाला, बस तुम्हारे ध्यान में ये चीजें आ जानी चाहिए उसी टाइम पे, उसी टाइम तुम्हारे ध्यान में ये चीजें होनी चाहिए एकदम से, और एक मामला इसका, आ रही है बात समझ में। अगर वो कुछ ऑप्शन के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ कर दे, अगर वो ऑप्शन में तुमसे एक ऐसा बोल दे कि फोर फोल्ड वाला मामला बोल दे, वो फोर फोल्ड एरे वाला, कि चारों कार्बोनिल एक प्लेन में आ जाए और पॉइंट ग्रुप और हो जाए, तो तब ऐसा हो जाएगा, तब मामला थोड़ा सा बिगड़ जाएगा तुम्हारा,
तब उस केस में दो ही पॉइंट ग्रुप आएंगे, क्या आएंगे उस टाइम पे, दो ही आईआर बैंड आएंगे। इसको स्टार कर लो, ये वाला मामला सिंपल नॉर्मल वाले केस में तुम्हारा ये रहेगा। अगर ये वाला केस बन गया तुम्हारा, ये वाला फोर सी फोर वी पॉइंट वाला ग्रुप वाला बन गया, तो तुम्हारा मामला रहेगा थ्री वाला। और अगर तुम्हारे पास मामला ऐसा कर दे, वो बोल दे कि फोर फोल्ड सीओ एक्सिस वाले है, तो उस केस में क्या होगा, इन चारों का तो एक मान लोगे, तुम्हारे को पहला एग्जाम में यही प्रेफरेंस मिलेगा। जब तक इसमें कोई छेड़छाड़ ना करे एग्जामिनर, कुछ भी ना लिखे एक्सिस जो है फोर फोल्ड एक्सिस वगैरह, सिर्फ ये लिख के बोल दे कि इसके अंदर बताओ जी कितने सिग्नल, तो चुपचाप ये लगा देना, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये आ चुका है एक बार, एक एग्जाम में आ चुका है, गेट में पांच कोऑर्डिनेशन नंबर वाले के लिए आ चुका है। तो तुम एक बार के लिए इसको भूल ही जाओ, जो ये टू बताया इसको भूल ही जाओ, एक बार के लिए तुम इसको भूल जाओ। तुमको ये ध्यान रखना है सी फोर वी पॉइंट ग्रुप आ गया थ्री सिग्नल, बोल दो रे एक बार मामला सेट है कि नहीं है, मामला सेट है कि नहीं है, यहां बोल दो, बोलो रे। चलो नेक्स्ट, अब मेरे पास दूसरा केस क्या बन सकता है, देखो मुन्ना लोग, अगर मैं ऐसा करूं कि दो चार सीओ रखूं, दो लीगेंट हटा के दो और लगाऊं, अगर मैं दो लीगेंट और लगा दूं तो क्या मामला बन सकता है, जल्दी से बताओ। ट्रांस वाला कर लो पहले ट्रांस वाला कर लो, ये लो मेटल भाई साहब, कलर चेंज करते हैं, ये मेटल है और मेटल के साथ बैग, चलो बैग कहाँ जा रहे हो मुन्ना, इतना भाग के आगे कहाँ जाओगे, मेटल और मेटल के साथ, ये वाला मामला अपना मेटल का है और मेटल के साथ अपने पास क्या है, सेट है, बिल्कुल सेट है, एकदम से मामला सेट। अरे क्या हो गया, कहाँ गए, कहाँ गुम हो गए मुन्ना, यहाँ थे तो यहाँ से, तो आगे चलो अब एक स्लाइड, ये रहा एक, तो ये ना थोड़ा सा उसमें भी मेरे को दिक्कत ही आ रहा था आज एप्लीकेशन पे भी थोड़ा सा, मैं पहली बार आज क्लास, पहला क्लास था ना थोक करके, यहाँ मेटल और मेटल के साथ अपना कलर देख लेना भाई, तुम्हारा मामला अगर कलर का फिट ना बैठे तो चेंज कर लेंगे कलर को, कलर का मामला फिट ना बैठे तो चेंज कर लेंगे, ये सीओ ये सीओ ये सीओ और यहाँ सीओ। अब देखो अगर इसके मैं पॉइंट ग्रुप की बात करता हूं, इस मॉलिक्यूल के मैं ट्रांस वाले के लिए चेक कर रहा हूं पहले, मैं ये क्या है आइसोमर है, ये आइसोमर्स बन रहे हैं और स्ट्रक्चर आइसोमर की बना दी, तो यहां मैं सिर्फ पॉइंट ग्रुप की बात कर रहा हूं और यहां मैं क्या कर रहा हूं आईआर बैंड की, आईआर बैंड की। तो इसके लिए बात कर रहे हैं पहले D4H वाले के लिए, D4H वाले के देखो, अगर मान लो ये चारों प्लेन के अंदर है, चारों बीच में मेटल है भाई साहब, इधर को इधर को इधर को इधर को, एक ऊपर में सेम है नीचे में भी सेम है, तो जब मैंने ऐसे प्लेन पास किया भाई C4 तो सबको दिख रहा होगा, ऐसे घूमेगा तो सारे आपस में पोजीशन चेंज करेंगे, C4 तो दिख रहा है, और वर्टिकल प्लेन ऐसे वाला एक्सिस के साथ वाला प्लेन, ये वाला जिसको तुम सिग्मा वी बोलते हो, ये वाला जहां से एक्सिस पास करे वहीं से प्लेन लगा दिया सिग्मा वी और उसके परपेंडिकुलर लगा दिया तो सिग्मा एच, तो मुझे यहां सिग्मा वी भी दिख रहा है, सिग्मा एच भी दिख रहा है और सी फोर सिमिट्री दिख रही है। तुम क्या बोलोगे, सर D4H पॉइंट ग्रुप है कि नहीं है, बोलो रे D4H पॉइंट ग्रुप है कि नहीं है, बोल दो एक बार जल्दी से, D4H पॉइंट ग्रुप है कि नहीं है, बोल दो जल्दी से एक बार, ये वाला मामला समझ में आ रहा है D4 पॉइंट ग्रुप का। तो ये जो सारे एक प्लेन में होंगे ये वाले सारे मुन्ना लोग, इन सबका एक ही सिग्नल आएगा, क्या आएगा एक ही सिग्नल आएगा, बस यही याद रखना है कि एक ही सिग्नल आएगा। अगर तुमको ऐसा कुछ मामला बना के दे दे एग्जामिनर है, क्रोमियम CO6 4 PPH3 की 2 और ये बना के, और आपको बोल दे कि जी ये सिस से आगे लिख दिया सिस है या आगे लिख दिया ट्रांस है, कि आगे लिख दिया कि मामला सर यहाँ ट्रांस का दिया हुआ है, तुमको ऐसा दे दे ट्रांस है, ये वाला मामला ट्रांस है, तुमको ये बोल दे और बोल दे जी नंबर ऑफ IR बैंड बता दो, नंबर ऑफ IR बैंड, तो तुम बोलोगे अच्छा ये मामला है चार लिगेंट वाला है, दो चेंज किया है और दो चेंज किया है और ट्रांस बोला है, तो यहाँ D4H वाला मामला बनेगा, D4H वाला C2 cis C2V 3 CO bond ट्रांस D4H। अच्छा मामला फिट है तेरा, अभी तेरा मामला बिल्कुल फिट है भाई नंदीश, अभी तेरा मामला बिल्कुल फिट है, और गेट के अंदर जो क्वेश्चन आया था ना वो यही था, बस इसमें यहाँ लीगेंड कौन से लिए थे, पांच कोऑर्डिनेशन के लिए बात की थी उसने, सिक्स वाला नहीं लिया था, पांच वाले पे बात की थी, आज हम पांच वाले पे नहीं छह वाले पे बात कर रहे हैं, आज हम छह लीगेंड लेके चल रहे हैं उनको चेंज कर रहे हैं। अब इसका पॉइंट ग्रुप देख लो जल्दी से, बता दो क्या पॉइंट ग्रुप होगा, इसका पॉइंट ग्रुप देख के बता दो जल्दी से। अब देखो इसका पॉइंट ग्रुप देखो, अगर मैं यहां से C2V पास कर दूं, C2 एक्सिस ऐसे है, एक एक ऐसे है, एक तुम्हारी तरफ है, ये वाला तुम्हारी तरफ है, एक मेरी तरफ है, एक मेरी तरफ है, और मैं बीच में से ऐसे फिंगर और अंगूठे को थंब, अरे इंग्लिश में बोलू क्या, इंग्लिश में बोलू नहीं, अंगूठे को
और उंगली को जब ऐसे करके ऐसे कर देंगे तो तुमको पता है कितने डिग्री का हो जाता है, 180 का। जब चेंज कर दिया थंब को फिंगर की जगह, फिंगर को थंब की जगह, तो मतलब ये कितने का, 80 डिग्री का, 80 डिग्री का रिप्लेस हुआ। तो यहाँ C2 भी है, C2 है, C2 सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पॉइंट ग्रुप C2 भी दिख रहा है सबको, पॉइंट ग्रुप सबको C2 भी दिख रहा है। एक होगा इसमें, एक होगा, विशाल बोल रहे एक होगा, बिल्कुल एक होगा। और अब कितना हो जाएगा C2V वाले के केस में, C2V वाले के केस में कितना हो जाएगा, C2V वाले के केस में कितना हो जाएगा, बोलो एक बार जल्दी से, C2V वाले के केस में, C2V वाले के केस में। देखो यहां तुमको ना कई बुक, जब तुम देखोगे बुकों में बोला होगा ये एरे बना लेगा, ये कोलिनियर हो जाएगा, इस टाइप से बोला होगा, तो एग्जामिनर देगा ही नहीं वो चीज, सिंपल तुमको ऐसा मामला लिख के देगा वो, इसके अलावा कुछ लिखेगा तो जैसे मैंने तुमको बता दिया वो बात सोच लेना। इसमें क्या बनेगा, C2V है तो 3 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में, सॉरी C2V है तो 4 है, क्या है, 4 है, कार्बोनिल 4 है भाई। मैंने क्या बताया तुमको, अगर जितना C2V जितना आ जाए, देखो क्या लिखा, C2V जितना आ जाए, ये वाला जितना, जब C2V आ जाएगा तो जितना नंबर ऑफ CO लिगेंड होगा, अगर C2V और CVV आ जाएगा तो जितना नंबर ऑफ लिगेंड होगा, जितना नंबर ऑफ CO होगा, अरे तुम गलत मत करवाओ भाई मुन्ना लोग, रुको इसको 4 करो, 4 करो इसको, 4 चार करो, 4 CO लिगेंड है भाई, 4 CO लिगेंड है। बताया था जब जब C2V, जब जब C2V पॉइंट ग्रुप बने या CS पॉइंट ग्रुप बने, ठीक है, तो उस केस में जितने CO है, तो यहाँ 4 CO है तो 4 बनेंगे, 5 नहीं बनेंगे, 4 चार बनेंगे, 4 CO है तो 3 कैसे आएगा विशाल, 3 कैसे आएगा, 3 कैसे आएगा विशाल, बोलो 3 कैसे आएगा। वो जब तुम पता है यहां क्वेश्चन अगर तुमको ऐसे बोल दे एग्जामिनर, यहां ऐसा बोल दे कि 4 जो ट्रांस ट्रांस है ना, जो ट्रांस ट्रांस है, बिल्कुल जो ट्रांस ट्रांस है, वो कोलिनियर वाला केस बना दे कि बिल्कुल एक ही लाइन में बिल्कुल ऐसे, उस केस में 4, उस केस में तुमको 3 मिल जाएगा। इसका होता है 3 वाला केस, पर वो तुमको एग्जाम में नहीं पूछेगा, 3 कोलिनियर बोल के पूछे ना, अगर कोलिनियर, कोलिनियर ट्रांस सीओ कोलिनियर, ट्रांस सीओ कोलिनियर हो मतलब एक ही लाइन में ऐसे एक के पीछे दूसरा कोलिनियर, तो उस केस में तुम 3 लगा देना, पर ये आएगा नहीं तुम्हारे, ये आएगा नहीं तुम्हारे, क्योंकि अब तक तो यही नहीं आया एग्जाम में, पहले तो ये आएंगे फिर उसके बाद कोलिनियर वाले आएंगे, 4 CO ही से 104 मिलेगा। आया भाई विशाल समझ में आ गया ये वाला मामला, ये वाला मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ पहले जल्दी से, 4 वाला मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 4 वाला मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बोल दो एक बार, 4 वाला मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तुमको, 4 वाला मामला क्लियर हो गया सबको, काफी लोगों ने ये पढ़ भी रखा होगा मुझसे, काफी लोगों ने ये पहले से पढ़ रखा होगा। आ रही है बात समझ में ये वाली, यस और नो कर दो भाई, यस और नो कर दिया करो जल्दी से, फटाफट ताकि आगे बढ़े। ओके विशाल बोल दी चुके हैं कि ओके सर हो गया, आगे चलो, चलो जी आगे। अब केस आ चुका है अपने पास, अगला केस क्या बनता है इसको ध्यान में रख लेना भाई, ये 4 वाला ध्यान में रख लेना, और इसको स्टार थोड़ा सा कर लो बीच में कहीं कोने में लिख लेना, कि अगर ऐसा बोल दे कि 2 जो ट्रांस सीओ लिगेंड है वो कोलिनियर हो, मतलब एक के पीछे दूसरा हो, तो वहां ये मामला, जब तुमने अगर देखा होगा तो मैंने तुमको M2CO5 का तुमको बताया था पॉइंट ग्रुप, देख लेना D4D होता है, M2CO10 का देखो, MN2CO10 का पॉइंट ग्रुप क्या होता है पता है, मैंने बताया था बिल्कुल तुमको कि सर इसका D4D होता है। अब तुम कहोगे कि होना तो ऐसा चाहिए था, मामला तो कुछ ऐसा बनना चाहिए था, ये मैग्नीज था और ये भी मैग्नीज है, और यहाँ भी 5 लिगेंड होते हैं, और यहाँ भी कितने होते हैं 5 लिगेंड होते हैं, यहाँ भी कितने होते हैं 5 लिगेंड। अब देखो जब तुम ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हो तो जब 5 कॉर्नर अपने पास होते हैं और वो स्टैगर्ड होते हैं, तुमने पढ़ा होगा ना बेंजीन का डी अगर स्टैगर्ड है, 2 रिंग, 2 बेंजीन की रिंग जोड़ के पढ़ाया, ग्रुप थ्योरी पढ़ लिया होगा, तो वहां डी एच के साथ बात करता है और डी डी के साथ बात करता है, डी फोर एच है, डी फोर डी है, डी फाइव एच है, डी फाइव डी है, तुम बोल देते हो इक्लिप्स्ड है तो एच आ जाता है और वो होता है कॉर्नर तो डी आ जाता है, अगर स्टैगर्ड हो तो। M2CO10 जो है ना, M2CO10 ये होता है स्टैगर्ड, इसकी दोनों फॉर्म क्या बनेगी, MnCO5 दो यूनिट बनेगी कि नहीं बनेगी, MnCO5 एक मैग्नीज मेरे पास है, एक मैग्नीज तुम्हारे पास है,
दोनों पे पांच पांच लीगेंट लगे हुए हैं, मेरे पास भी है, उस पे भी पांच लीगेंट लगे हुए हैं। तुमको बोल दे कि दोनों यूनिट जो MnCO5 की दोनों यूनिट है ना, ये क्या है, दोनों यूनिट स्टैगर्ड है। तुमको बोल दे दोनों यूनिट स्टैगर्ड है, तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे सर D5D, क्योंकि जब पांच कॉर्नर बनेंगे भाई, D5 पांच लीगेंट है तो क्या बनेंगे, पांच लीगेंट अगर है तो तुम क्या बोलोगे, D5D पांच कॉर्नर बनेंगे, तुम 5D बोलोगे कि नहीं बोलोगे, और आंसर तुम्हारा हो जाएगा गलत। मैं पहले बता रहा हूं कि मैग्नीज के साथ ऐसे तुमको कभी एग्जामिनर ने दे दिया ये वाला लिख के तो तुम्हारा मामला एकदम से गड़बड़ा जाएगा। क्यों गड़बड़ा जाएगा, ये बात सुन लो, इसका पॉइंट ग्रुप आता है D4D। क्या आता है, D4D। क्यों आता है, ये जो है ना, ये वाला जो ये ऑक्सीजन है, ये कार्बोनिल और ये कार्बोनिल, जो तुम कॉर्नर की बात कर रहे हो कि पांच लिगेंड है तो पांच तरह से देखो, वो नहीं देखना, ये जो है ना, ये वाला और उसके सामने वाला जो बिल्कुल सामने वाला है, वो एक ही लाइन में आता है, तो वो कॉर्नर नहीं बनाएगा, सिर्फ क्या बनाएंगे, वो चार है वो कॉर्नर बनाएंगे। और चार कॉर्नर के लिए अपने को पता है कि जब हम ग्रुप थ्योरी में इसकी बात कर लूं, तुमको ये बोल दूं ये दिया हुआ है और इसका पॉइंट ग्रुप बता दो, तुम क्या बोलोगे, सर ये D4D है, तो वही मामला इसके साथ जमेगा, ये चार कॉर्नर बनेंगे और ये चार कॉर्नर क्या बनाएंगे, यही चार कॉर्नर बनाएंगे, और चार कॉर्नर जब बनाएंगे और इसको ऐसे देखूंगा यहां से, तो तुमको पता समझ में आ रहा है ये बिल्कुल बात में, यही बात यहां होता है इनके साथ। इसी केस में भी सेम ऐसा ही सिनेरियो होता है 3D के अंदर, इनके मॉडल देखो तो, अगर इनमें दो CO लिगेंड को बिल्कुल कोलिनियर रख लिया जाए तो इसका सिग्नल आ जाएगा तीन, इसका सिग्नल क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगा उस केस में। आ रही है बात समझ में, आ रही है मुन्ना, ये बात समझ में आ रही है सबको, उस केस में इसका सिग्नल तीन आ जाएगा। और ये सिंपल कुछ भी ना लिख के दे और यही लिख के देते, जैसे ये वाला लिख दिया तुमको, यहां सीस लगा दिया, मान लो यहां सीस लगा दिया, बस ऐसा इतना लिख के दे, तो C2V पॉइंट ग्रुप चार, जितना कार्बोनिल उतना ही उसका क्या हो जाएगा, जितना कार्बोनिल उतना ही उसका क्या होगा, IR सिग्नल। और आज मैं देख लो भाई, जितने लोग देख रहे हैं मैं उनको बता देता हूं, IR जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेशल क्लास में मैंने स्टार्ट कर दी है, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, समझ में आ गया भाई ये वाला, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेशल क्लास में स्टार्ट कर दी है स्पेक्ट्रोस्कोपी, किसी को नहीं आता हो तो देख लेना, हेट्रो NMR स्टार्ट हो चुका है आज, चार नंबर का एक क्वेश्चन आता है पार्ट सी के अंदर, कन्फर्म है, कई बार छह भी पहुंच जाता है, एक लेक्चर हो चुका है 7 बजे आज, देख सकते हो, देखना हो तो स्पेशल क्लास फ्री है बिल्कुल, एक घंटे का एक लेक्चर है जिसके अंदर विल्कनसन कैटलिस्ट, PPS3, PF3 ये सारे डिस्कस कर लिए, कैसे सिग्नल को प्रिडिक्ट करता है, कैसे स्पेक्ट्रम को पढ़ता है। अब इस मॉलिक्यूल पे आ जाते हैं, स्पेशल क्लास में चले जाना, वहां जाके देख लेना ये वाला जो मामला देखना हो तो। और आज के बाद अपना कोड और चेंज करवा लिया है BChem10 ऐप से, BChem10 कभी भी जिंदगी में तुमको जरूरत पड़े तो BChem10 है, ठीक है। अब ये वाली इस पे बात करते हैं, अब इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं जिसमें तीन तीन लिगेंड हो, ऑक्टाहेड्रल का मामला है, ये भी किसका मामला है, ऑक्टाहेड्रल का। हेट्रो NMR का एक क्वेश्चन है, मैं कहता हूं इन ऑर्गेनिक के NMR से बहुत आसान है, चार नंबर लेना, 25 क्वेश्चन करना होता है जिसमें से एक इसका अटेम्प्ट करना चाहिए बंदे को, हर बंदे को। सर ए पे नेक्स्ट लेक्चर कब होगा, बोल दिया सुबह लूंगा, सुबह मॉर्निंग में 10:30 बजे, मॉर्निंग में 10:30 बजे लूंगा, और एक शाम में लूंगा फिर से 7 बजे, एक शाम को 7 बजे के आसपास। तुम अरे तुम फेसबुक पे जुड़ जाओ, वहां मैं डालता हूँ यार पोस्ट वगैरह, टेलीग्राम चैनल पे सब लेक्चर मिल जाता है, पहले लेक्चर का डाला था, ये विशाल था क्लास के अंदर, इसको पता है, जब तुम जुड़ोगे तो पता चलेगा ना, इसे कैसे पता चलेगा अब तुमको। अभी मेटल लगाओ, इसको लगाओ भाई, अब यहां मेटल दिया हुआ है A3B3 टाइप का, ये आ गया विशाल तेरे वाला जो तू वहां बोल रहा था फेशियल और मेरिडोनियल वाला, अब केस आया वो फेशियल और मेरिडोनियल वाला, ये वाला, ये तुम देख लेना, कल मैं सुबह डालूंगा इसके लेक्चर, तुम टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना या मेरे पास फेसबुक पे जुड़ जाना, वहां मैं पोस्टें डालता हूँ, वहां देख लिया करो, लेक्चर का लिंक वहां डाल देता हूँ मैं फेसबुक पे, राजेश बिश्नोई के नाम से, ये मेरे नाम से ये आईडी है, ठीक है, फेसबुक पे मिल जाएगा तुमको। अब देख लो यहां बात करते हैं, सर हेयर फेशियल एंड मेरिडोनियल केस बनेगा, बिल्कुल जी लिख दिया है, बिल्कुल फेशियल एंड मेरिडोनियल बनेगा यहां, बिल्कुल फेशियल एंड मेरिडोनियल बनेगा, फेशियल एंड मेरिडोनियल, तो लगाओ इसका मामला फेशियल और मेरिडोनियल का। अभी यहां भी किसी को दिक्कत आएगा ना तो उसको भी याद ही करवा के जाऊंगा कि कैसे क्या बनेगा, और फॉलो कर लेना और वहां क्लास को ज्वाइन कर लेना भाई, अपनी को स्पेशल क्लास चल रहा है जबरदस्त, बहुत मजेदार मामला है तुम्हारे लिए। NMR का कोई बुक नहीं होता, हेट्रो NMR का कोई एक बुक नहीं है, जैसे OMC का डेरो बुक है, इसका हेट्रो NMR का कोई एक बुक नहीं है कि जिसमें अपने को 31 PV मिल जाए,
19F भी मिल जाए, 129 जिनोन भी मिल जाए, 183 टंगस्टन भी मिल जाए, 193, 195, 199 HG और ये PT और HG भी मिल जाए। ये मामले सिर्फ मिलेंगे तुमको स्पेशल क्लास के अंदर। तो वहाँ आओगे, ज्वाइन करोगे, देखोगे तो तुमको मामला सेट हो जाएगा, देख लेना। और कोड अगर किसी को डालना हो, अगर लॉक ना हो रहा हो तो BKMTEL डाल लेना। और जब तुम पहले से देख रहे हो तो पहले मेरे ख्याल में हो ही जाता होगा तुम्हारा मामला सेट। अब देखो भाई, इसमें दो आइसोमर बनेंगे, दोनों आइसोमर बना लेता हूँ। एक में मैंने एल को यहाँ रख दिया, एल को यहाँ रख दिया और एल को यहाँ रख दिया। बोलो रे ये कौन सा है, फेशियल है कि मेरीडोनियल है, जल्दी से बोल दो। दो बना दिए मैंने तुम्हारे सामने, एल और यहाँ मेरे पास एल और ये एल, और यहाँ CO, यहाँ CO और यहाँ CO। बोलो कौन सा फेशियल है, कौन सा मेरीडोनियल है, जल्दी से बोल दो। कौन सा फेशियल है, कौन सा मेरीडोनियल है, जल्दी से बोल दो मुन्ना, जल्दी से एक बार। जब तक ए और बी को फेशियल और मेरीडोनियल पहचानते हो, जब तक मैं लिख देता हूँ, क्योंकि बार बार फिर बोलता हूँ, कोई नया स्टूडेंट आता है उसको फिर पता ही नहीं चलता, उसको फिर पता ही नहीं चलता। हेट्रो NMR 31P NMR, और इसी के साथ लिख लो यहाँ 19F NMR और सिलिकॉन 129XE। ये सारा चल रहा है स्पेशल क्लास के अंदर, स्पेशल क्लास में वहां देख सकते हो, स्पेशल क्लास में देख सकते हो। मेरिडोनियल फर्स्ट फेशियल सेकंड, मेरिडोनियल फर्स्ट फेशियल सेकंड, बिल्कुल सही बोले हो। C3V C2V इन मेरिडोनियल देखते हैं। एक मिनट रुको नंदीश, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा तुमको, इतना जल्दी जल्दी नहीं भागने का। देखो भाई, यहां अगर मैं बात करूंगा तो पॉइंट ग्रुप याद रख लेना। कैसे याद रखोगे, देखो कंफ्यूज, कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज होता हो तो ऐसे याद रखना। फेस, हर आदमी के कितने चेहरे होते हैं मुन्ना, हर आदमी के कितने चेहरे होते हैं, हर आदमी के चेहरे होते हैं दो, एक जो दिख रहा है, एक जो उसका छिपा हुआ होता है, एक जो दिख रहा है, एक जो छिपा हुआ होता है। तो जब जब फेशियल बनेगा, जब जब फेशियल बनेगा तो क्या होगा, सिग्नल आएगा। अगर चेहरा दो है तो सिग्नल तीन लगा दो, अगर चेहरा दो है तो सिग्नल कितना लगा दो, तीन लगा दो। अब देखो, अगर चेहरा दो तो सिग्नल क्या होगा, तीन। और अगर मेरिडोनियल हुआ तो जो फेशियल का है उसको उल्टा कर दो, उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। और उल्टा कैसे करोगे, उल्टा कैसे करोगे, यहाँ तीन है तो यहाँ दो करोगे, और यहाँ पॉइंट ग्रुप देख लो, यहाँ क्या आएगा C2V और यहाँ आ जाएगा C3V। C2V के लिए तीन और C3V के लिए दो। बोलो भाई ये वाला बाब, नियगेंड लंबे फेशियल 90 डिग्री पर मेरिडोनियल, बिल्कुल 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 एकदम सही बोले हो। ये दो लिगेंट के बीच में 180 बन रहा है, जहां भी 180 दिख गया मींस क्या है, मेरिडोनियल। तो मामला जो मैंने बताया वो देख लो, अगर एग्जाम में कुछ भी याद ना रहे तो फेशियल याद रख लेना। एक आदमी के दो चेहरे, एक आदमी के दो चेहरे होते हैं, दिखने का अलग, एक अलग छुपा हुआ होता है। तो दो चेहरे का मतलब क्या है, सिग्नल उसके दो है, सॉरी सिग्नल उसके तीन है, सिग्नल उसके क्या है, तीन है। पॉइंट ग्रुप उसका C2V है, बोलो भाई C3V। रुको रे, ये गलत करवा दिया यार तुमने, ये C3V। फेशियल के लिए क्या लिखोगे, फेशियल के लिए रखो एक मिनट, फेशियल के लिए लिख लो, फेशियल के लिए दो चेहरे, क्या बोला, चेहरे दो होंगे भाई, हर बंदे के दो चेहरे होते हैं, तो दो चेहरे होते हैं तो दो सिग्नल लगा दो, और मेरिडोनियल के तीन लगा दो, और इनका पॉइंट ग्रुप उल्टा कर दो, यहाँ C3V और यहाँ C2V। बस यही मामला याद करना है तुमको। अब तुम इनके पॉइंट ग्रुप निकालते रहो, तुमको ग्रुप थ्योरी आता है तो निकाल लो, नहीं आता है तो मत निकालो। मामला समझ में आ गया सबको, मामला समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोल दो जल्दी से। फेशियल का एक आदमी के दो चेहरे तो सिग्नल कितने, दो। एक आदमी के दो चेहरे तो सिग्नल भी दो, वो कोई भी हो सकता है भाई, ठीक है। और अगर हमारे पास मेरिडोनियल हुआ तो उल्टा कर दो, उसका पॉइंट ग्रुप C2V और सिग्नल तीन। अगर पॉइंट ग्रुप निकालना आता है तो सबसे बेस्ट है C3 वाले का C2V। आ रहे बात समझ में, आ रही है बात समझ में। अगर वैसे भी तुम देखना चाहो ना, अगर अगर तुमको थोड़ा सा सोचना हो, थोड़ा दिमाग लगाना हो, तो ये देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका एक सिग्नल मिलेगा क्योंकि इसके अपोजिट कोई और है, और इनकी बात करूँगा तो इन दोनों का एक सिग्नल मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ तीनों का अलग अलग होगा, मेरिडोनियल में तीनों का अलग अलग होगा, फेशियल में बनता है वो मामला, वो मामला फेशियल में बनेगा। क्या बनेगा, फेशियल में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आ रही है बात समझे, तो कैसे याद रखोगे, बोलो रे। यहाँ इसमें किसी को कोई डाउट आए तो पूछ लो एक बार जल्दी से।
अगर फेशियल और मेरिडोनियल का क्वेश्चन आ जाए और तुमसे सिग्नल पूछ ले तो कर दोगे कि नहीं करोगे? जल्दी से बता दो यार, एक बार फटाफट से एक बार रिप्लाई कर दो कि मामला फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। नंदीश बोल रहे हैं सर बैठ जाएगा। फेस दो, सिग्नल दो, तो मेरिडोनियल हुआ तो तीन, मेरिडोनियल हुआ तो अपोजिट कर देना। एक का याद रख लो, मेरिडोनियल का, फेशियल का याद रख लो कि सर ने बोला था एक आदमी के दो चेहरे, सिग्नल दो, बस उसका उल्टा हो जाएगा सब कुछ, पॉइंट ग्रुप भी उल्टा हो जाएगा, सिग्नल भी उल्टा हो जाएगा। बोलो भाई, देखो ऐसे याद करनी पड़ती है चीजें, जब ज्यादा हो चीजा, जब चीजें सिलेबस ज्यादा हो तो याद करने का तरीका यही है। नंदिस और तौफीक, तौसीफ, दोनों कनेक्ट करोगे आज मुझसे, तुम दोनों कनेक्ट करोगे आज, फिर जब लेक्चर तुम्हारे निकल जाएंगे लास्ट में तुम आओगे सर रिजल्ट तो तैयारी तो था 90%, अब तुम्हारा हेट्रो एनएमआर मैंने चेक करना था आज कि कितना का तुम्हारा मामला बन रहा है, या वो लेक्चर देख लेना या कल मेरे को साथ में थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा तुमको। बताओ रे, ये वाला क्लियर हो गया मामला सारा? आगे चले अब, जल्दी से बोल दो। जल्दी से एक बार बोल दो कि सर मामला क्लियर है एकदम से, जोरदार। चलो जी नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूं पर इसके बारे में तुमको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं, इसके बारे में मैं तुमको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं, और इसकी जानकारी से पहले हम कुछ और जान ले तो वो तुम्हारे लिए और ही बेहतर होगा। बोलो रे, इस पे क्वेश्चन आ चुका है सीएसआईआर नेट में, वो क्वेश्चन दिखाने से पहले मैं तुमको कुछ समझाऊंगा, तुमको कुछ समझाना चाहता हूं मैं इस क्वेश्चन को करवाने से पहले। तो उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुमको सिस और ट्रांस पे ले चलता हूं। ये कोई मॉलिक्यूल है मेरे पास सिस और ट्रांस, बोलो भाई ये वाला अपने पास सिस है, और इस सिस को मैं दो तरह से बना सकता हूं कि मेरे पास मान लीजिए ये वाला सिस है कोई, मेरे पास ये वाला कोई सिस दिया हुआ है, या तुम इसको ऐसे सोचो जैसे ट्रांस वाला तुमको दिखाई देता हूं बना हुआ। अगर ये ट्रांस वाला है तो इसका ये वाला स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऐसा और ऐसा, और एक तो सिमेट्रिक है एक अनसिमेट्रिक है, तो इस केस में कोई डाइपोल मूवमेंट चेंज नहीं होगा, यहां डाइपोल मूवमेंट चेंज होगा। आ रही है बात समझ में? यहां चेंज इन डाइपोल मूवमेंट होगा क्योंकि ये अनसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, ये क्या है अनसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, और यहां सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, तो यहां डाइपोल मूवमेंट में चेंज नहीं आएगा, जो पहले था वैसा ही रहेगा ट्रांस वाले में। तो यहां सिग्नल एक आता है, यहां सिग्नल एक आता है ट्रांस वाले में, और सिस वाले में जब चाहे वो सिमेट्रिक हो चाहे वो सिमेट्रिक हो, जैसे यहां सी यू है, यहां सी यू है और यहां भी सी यू है और ये एल एल है, अगर ये मान लो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है दोनों, तो भी डाइपोल मूवमेंट में चेंज आएगा क्योंकि नेट रिजल्टेंट इस साइड को जाएगा ज्यादा। और अगर ये अनसिमेट्रिकली हुआ, अनसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हुआ, मतलब एक इधर को जा रहा है एक इधर को जा रहा है, तो इस टाइम भी इसका चेंज इन डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ होगा, मतलब दोनों केस में सिग्नल मिलेंगे। तो सिस वाले में दो सिग्नल मिल रहा है और ट्रांस वाले में क्या मिल रहा है, एक ही सिग्नल मिल रहा है। ये बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए, ये बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं उस मॉलिक्यूल पे आता हूं जो अपने को करना है, जिस मॉलिक्यूल के बारे में अपने को जानना है, जल्दी से बोल दो एक बार किसी को कुछ पूछना हो तो। यस सर, आप इस बार आपके साथ जुड़कर नेर फोड़ूंगा। बिल्कुल 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 फोड़ना है भाई, मैं भी चाहता हूं कि जितनों का भला हो जाए, ठीक है? बिल्कुल भाई बिल्कुल, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं, तुम्हें तो बस देखना है टुकर टुकर बैठ के मामला अपने। अरे जब क्वेश्चन जब किया हो, क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना उसका आनंद ही अलग होता है, ये बोल देता हूं मैं, जब किया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में आता है तो उसका आनंद ही अलग होता है, पहले बोल दे रहा हूं तुमको मैं। अब चलो इस क्वेश्चन पे, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा भाई साहब, एक सॉलिड में करेगा और एक लिक्विड में करेगा। एक बार क्वेश्चन आ चुका है इसका, एक बार इसका क्वेश्चन आ चुका है, सॉलिड वाले का स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, सॉलिड वाले का स्ट्रक्चर देख लो, कलर चेंज कर लेता हूं, कलर चेंज कर लिया है, ये लो अभी इसको आयरन और आयरन मेटल मेटल बॉन्ड तुम दोनों निकाल ही लोगे सभी, ये स्ट्रेचिंग ये वाला बनेगा इसका फॉर्मूला। क्वेश्चन आया हुआ वो करवाऊंगा, उसका फिर तुमको समझाऊंगा कि ये मामला कैसे बना होगा, ये मामला कैसे बना होगा, ये वाला मामला कैसे बना होगा,
इसको जानना पड़ेगा जरूरी, ठीक है। और यहां अपने पास दो सीपी रिंग है, सीपी रिंग दो है, और दो सीपी रिंग है यहां ये वाला, मतलब इनका सेम प्लेन कर दो या ऑपोजिट कर दो, एक ही बात है। ये सिस वाला और ट्रांस वाला, अगर ट्रांस वाला बना रहे हो तो अलग अलग कर देना, अगर सिस वाला बना रहे हो तो एक साइड कर देना दोनों का मामला, ठीक है। और एक एक सीओ ये वाला लगा देना, ये तो मामला है ट्रांस का। और जब ये होगा ट्रांस में, ये क्या है ट्रांस में, जब ये सॉलिड फॉर्म में, और जब ये सिस में होगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, आयरन भाई साहब, और आयरन के साथ आयरन का बॉन्ड, आयरन का बॉन्ड तो यहां भी बनाओ, ये आयरन का बॉन्ड। और उसके बाद दोनों सीपी को एक साइड रख दो, ऐसे दोनों सीपी को एक साइड और इन सीओ को एक साइड, और ये बीच वाला मामला अपना सीओ का है ही, ये बीच वाला मामला अपना सीओ का है ही। बोलो रे, इनको तो दिखाई लोगे कट लाइन और डैश लाइन पे, ये तो दिखाई लोगे। तो अब देखो, जब ये क्वेश्चन में क्या होता है, सिस होता है, जब ये सिस होता है तो इसके टर्मिनल वालों के दो सिग्नल आते हैं, क्योंकि यहां इनको तुमको दिखाना पड़ता है, ये जो रिंग है वो टिल्टेड होते हैं, सेम नहीं होते। तो यहां मैं बोल रहा हूं कि सिस वाले में जो टर्मिनल वाले हैं ना, उनके दो सिग्नल आते हैं, और ब्रिजिंग वालों का एक सिग्नल आता है। और इधर क्या होता है, ब्रिजिंग का भी एक आता है सिग्नल, टर्मिनल का भी एक आता है, और ब्रिजिंग का भी क्या आता है, एक आता है। बोलो रे बल्दी बोल दो, ये वाली बात समझ में आ रही है क्या, ब्रिजिंग के लिए भी एक और टर्मिनल के लिए एक, बी के लिए भी एक और टर्मिनल के लिए भी एक सीओ का सिग्नल आता है। बोलो यहां तक किसी को मामला फिट है कि नहीं है, ये वाला मामला बोल दो जल्दी से। एक मेटल मेटल बॉन्ड आ जाएगा, मेटल मेटल बॉन्ड मैंने निकाला ही नहीं, मेरा उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि मेटल मेटल बॉन्ड तुम निकाल लोगे, अभी एक बच्चों वाला खेल ही नहीं है, मेटल मेटल बॉन्ड वाला बच्चों वाला खेल ही नहीं बचा। बोलो जल्दी से, एक बार जल्दी से बोल दो, यहां जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो रे जल्दी से। बस जब ये सॉल्यूशन और एक्वस में होगा तो इनके अंदर सिस फॉर्म में और सिस फॉर्म में इसके पास सिग्नल मिले, देखो क्या बोले, सिस वाले में दो सिग्नल किसके लिए, टर्मिनल वालों के लिए। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, जो सीएसआईआर नेट में क्वेश्चन पूछा गया है, कल करवाया था ना तुमको, ये कल करवाया था नंदिश और तौसीफ, कल करवाया था कि नहीं करवाया था, बोलो, कल ये मामला करवा दिया था तुमको, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। ये देखो अब वही कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ मामला वही है, सब कुछ मामला वही है जो अभी हम देख के आए हैं, सॉलिड फॉर्म में और एक्वस फॉर्म में। ये सॉलिड में है और ये एक्वस में है, ये किसमें है, एक्वस में। और एक मुझे बताओ, अगर तुमसे पूछ ले कौन सा ज्यादा सिमिट्रिक है तो तुम क्या बोलोगे, ये सिमिट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, ये नॉन सिमेट्रिक है, मीन्स ये सिस है, ये नॉन सिमेट्रिक है, तुम यही बोलोगे, तुम यही बोलोगे ये नॉन सिमेट्रिक है, बोलो यस सर। अब उस क्वेश्चन को समझो, तुमने कल आंसर दे दिया था, अब मैं उस कंपाउंड को समझाना चाह रहा हूं तुमको, जो तुमने कल आंसर दिया था उसी कंपाउंड पे बात कर रहे हैं हम, उसी कंपाउंड पे बात कर रहे हैं जो कल तुमने, जिसमें थोड़ा सा तुमको लगा था कि मामला बिगड़ रहा है सर, जिनमें तुमको लग रहा था कि मामला सर बिगड़ रहा है, उसी पे चल रहे हैं हम। चलो करो अब देखो इसका आंसर जल्दी से, एक बार अब देख लो इसको, इसका स्ट्रक्चर देखो क्या कहता है, द अप्रोक्सीमेट ऑफ द पोजीशन इन द सॉलिड स्पेक्ट्रम, आयरन आयरन बॉन्ड निकाल के दे दिया मैंने तुमको, नहीं निकलवाया, मेरे को पता है तुमने कर लिया, कल तुमने इसका आंसर भी दे दिया था। आज मैंने तुमको इनकी दो फॉर्म बताई है, एक सॉलिड और एक, एक सॉलिड और एक एक्वस, उसके अकॉर्डिंग तुम इसको ये देखो, इसे क्या बोला है, इन द स्पेक्ट्रम नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक। ये बात कल मैंने तुमको क्या बोला था, छोड़ दो, यही बोला था, क्योंकि कल तक तुमको मैंने आईआर का कोई लफड़ा नहीं समझाया था, आईआर वैल्यू वैल्यू का बताया, सर मैं कल नहीं आ पाया था, सॉरी। अच्छा तुम कल नहीं देखे, याद भी नहीं है मेरे को तो, चलो अभी अभी सुन लो फिर, याद नहीं है तो एक बार सुन लो अभी। अभी देखो मैंने तुमको एक बात बोली थी, अगर तुम्हारी वैल्यू 1850 से लेकर 2120 के बीच में आ जाए, इसका मतलब जो सीओ है वो कहाँ है, टर्मिनल पोजिशन पे है। और तुम्हारी वैल्यू अगर 1750 से लेके 1850 तक आ जाए या 60 तक भी आ जाए, तो ये वैल्यू इसका मतलब है कि ये कहाँ है, सीओ कहाँ है, ब्रिजिंग पे है। और ब्रिजिंग भी कैसा, सिर्फ दो मेटल को ब्रिज किया हुआ है, तीन मेटल वाला केस ही मैंने बदल दिया था, वो तुमको अलग बताया था सीओ आर ग्रुप के साथ कंपेरिजन करके, वो मैंने बता दिया था। अब इस कॉम्प्लेक्स में देखो, कल मैंने तुमको स्ट्रक्चर ऐसे बना के और डायरेक्ट तुमको ये बताया कि ये वाला मामला ऐसे है सर, इसको ऐसे समझो कि यहां सीओ है एक ब्रिजिंग में, बिल्कुल अच्छी बात है सर, एक सीओ ब्रिजिंग में दिया हुआ है। और इसके बाद अपने को क्या देखना था, दो सीओ टोटल हो गए, बार टू लिखा हुआ है तो ये लो,
और कुछ ऐसा बनाया मैंने कॉम्प्लेक्स को, इस टाइप से बनाया था बिल्कुल। बोल दो एक बार यस और नो, यस और नो। अब ये कॉम्प्लेक्स बना था, इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी थी कि ये ऐसा भी बन सकता था, ये ऐसा भी बन सकता था, ऐसा बन सकता था, बट तुम्हारा एग्जाम का जो क्वेश्चन था वो एक स्ट्रक्चर से हो जाता, मतलब एक से तुम्हारा एग्जाम का जो था मामला वो फिट बन जाता। कैसे बन जाता देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मेरे को, तुमको पता है कि सर इसमें सिग्नल ना, ये जो ब्रिजिंग वाले हैं इसका मतलब सिग्नल इस रेंज के बीच में आना चाहिए। वाइट ले लेता हूं एक बार कलर चेंज करके। तुमको मतलब पता है कि ये अगर ब्रिजिंग में है तो इनका सिग्नल तो 1850 से लेकर 1750 के बीच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और तुमने जब इसका मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड आउट किया तो एक मेटल मेटल बॉन्ड था, एक मेटल मेटल बॉन्ड के बेस में पहले ऑप्शन में भी एक मेटल मेटल दिया हुआ था, इसमें भी दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ था। ये CSIR नेट में आया हुआ क्वेश्चन है मुन्ना, लिख लो एक बार जो करवा रहा हूं। तो देखो, देख मुन्ना गलत कर दिए हो तुम, गलत कर दिए हो तुम। अब सुन लो मेरी बात एक बार, एक बार मेरी बात सुन लो तुम, आंसर मत दो एक बार। मैंने ये एक बात देखो, क्वेश्चन कर लोगे तुम कितना जल्दी, कैसे कर सकते हो क्वेश्चन को पकड़ना कैसे, वो देखो। मेटल मेटल के बॉन्ड के बेस पे इसको हटा दो, ऑप्शन बी को मत देखो। उसके बाद एक बात और देखो, मैंने तुमको बोला था जब सीओ फ्री होगा, मतलब सीओ का किसी के साथ शादी नहीं होगा, मेटल के साथ नहीं जुड़ेगा, जब सीओ फ्री होगा, जब सीओ फ्री होगा तो उसका स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी मैंने तुमको बताया था 2143 सेंटीमीटर इनवर्स, और सीओ पॉजिटिव का मैंने बताया था 2184, और जब लेविस एसिड के साथ जैसे BS3 के साथ लगता है तो उस टाइम मैंने तुमको बोला था 2164 सेंटीमीटर इनवर्स। ये सारा मैंने मामला तुमको समझा दिया था। अब तुम एक बात सुनो मेरी, कि यहाँ मेटल मेटल बॉन्ड में यहाँ स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी वो बोल रहा है मुन्ना की 2143 है सर, और मुझे पता है कि जब ब्रिजिंग में है और मेटल के साथ टर्मिनल पे है तो इस रेंज के अंदर होना चाहिए, बस इसी रेंज के अंदर होना चाहिए, इस रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इस ऑप्शन को एकदम से एलिमिनेट कर सकता था, हर कोई कर सकता था जो देख रहा था। अब एक बात आती है कि सर ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी में मामला एक ही जैसा है, बिल्कुल बिल्कुल एक जैसा है। अब तुमको स्ट्रक्चर भी नहीं पता है ना, अगर तुमको ये नहीं पता था, ये वाली बात अगर मान लो तुमको नहीं पता कि ये सॉलिड में अलग रंग दिखाता है और लिक्विड में अलग रंग दिखाता है, या एक्वस में ये अलग रंग दिखाता है, एक्वस में ये अलग रंग दिखाता है, तो तुम क्या करते, तुमको ना पता होता कि सॉलिड में कितने सिग्नल देता, सॉलिड के अंदर दो ही सिग्नल देगा ये, एक टर्मिनल वाले के लिए और एक एक टर्मिनल वाले के लिए और एक ब्रिजिंग वाले के लिए, और एक्वस में ये टर्मिनल वालों के लिए दोनों के लिए दो देता है और ब्रिजिंग वालों का एक देता है। अब देखो इसने क्या बोला, और मैंने बोल दिया तुमको कि इसमें सिमिट्री नहीं है, इसमें सिमिट्री है। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, नॉन सेंट्रोसिमिट्री, इससे भी निकाल सकते थे, दो करवाया सिग्नल सो मैंने दे दिया। अच्छा अच्छा, अभी देखो, अभी तुम दूसरे तरीके से इसको एलिमिनेट कर सकते थे अगर तुमको स्ट्रक्चर का नहीं आइडिया था तो, कैसे करते देखो, ये वाली वैल्यू 1820 से 2020 वाली वैल्यू इस वैल्यू के बीच में लाई कर रही है, बहुत अच्छी बात, असर कर रही है। 1980 वाली इसके बीच में लाई कर रही है सर, यस सर इसमें कर रही है सर, लाई कर रही है। और ये 1800 वाली है ये इसमें कर रही है, 1800 वाली दूसरे वाले में कर रही है और दो इसमें कर रही है, मतलब इसमें ना ब्रीजिंग वाले का भी सिग्नल मुझको दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ टर्मिनल वाले का ही। तो ए वाले को क्या मान लिया तुमने, ऑप्शन मान लिया। इसको चेक करने गए तो तुमको क्या देखा, 2020 पहले वाले के अंदर मिल गई, 1980 भी पहले वाले के अंदर मिल गई। तो ये उस भाई साहब ने ये म्यू क्या दिखाने के लिए लिखा था क्या, इसका मतलब म्यू लिखा है तो ब्रीजिंग में ऑक्सीजन, तो सीओ लिगेंड ब्रीजिंग में है कि नहीं है, सीओ लिगेंड ब्रीजिंग में है कि नहीं है, जब उसने ये मेंशन कर दिया फॉर्मूले में मतलब ब्रीजिंग वाला है, और ब्रीजिंग वाला है तो यहाँ वैल्यू इसमें आनी चाहिए 1750 से 1850 से 60 के बीच। बोल दो रे मामला कैसा था ये वाला, कितने लोगों को समझ आ गया एक बार जल्दी से बता दो ये वाला मामला कैसा था। और जो भी नया देख रहा है स्टूडेंट, मैं बता दे रहा हूँ हेट्रो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से जाके आनंद ले लो, आनंदमय चीज है वो, इससे भी ज्यादा आनंद आएगा जितना ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में आ रहा है, इससे भी ज्यादा आनंद। सर पर पीछे आपने दो करवाया सिग्नल सो मैंने तीन दिया, क्या दिया दो करवाया भाई साहब, क्या बोल रहे हो नंदी से, एक बार दोबारा बोलो कौन से बोल दिया, क्या बोल दिया, दो तो करवाया आपने पीछे दो करवाया, थोड़ा समझ नहीं आया, दोबारा बोलो क्या डाउट आया है तुमको, जल्दी बोलो, जल्दी से एक बार बोल दो। और जो भी नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं मैं बता रहा हूं, NMR का स्पेक्ट्रोस्कोपी हेट्रो NMR
इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेशल क्लास चल रहा है, एक लेक्चर हो चुका है, जाके देख सकते हो। एक लेक्चर हो चुका है, कल बाकी दो लेक्चर कल होंगे। एक सुबह 10:30 पे लूंगा, सुबह 10:30 बजे, सुबह 10:30 बजे एक क्लास लूंगा, ठीक है। 10:30 या 11 बजे वहां नोटिस आपको दिख जाएगा कि लाइव क्लास कब है, और तुम मुझसे मिलना भाई सोशल साइट पे। बहुत बढ़िया सर, बाकी लोग बोलो भाई एक बार जल्दी से बोल दो। अब बता देता हूँ एक बार दोबारा से देख लो, जितने बाद में आ रहे हैं उनको बता दे रहा हूँ। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी 31 PNMR, क्या फ्लोरीन, सारा मामला निपटेगा, क्या जिनोन, क्या पीटी, क्या एचजी, क्या डब्ल्यू, ये सब के मामले आपको स्पेशल क्लास के अंदर मिल जाएंगे। जाके प्रोफाइल पे एक फॉलो का बटन आएगा, फॉलो भी कर लेना साथ में, और क्लास का आनंद ले लेना। एक लेक्चर हो चुका है और दो लेक्चर कर लूंगा इसी के ऊपर, हेट्रो एनएमआर पे दो लेक्चर, हेट्रो एनएमआर पे, और 5 से 6 लेक्चर में मामला ऐसा है कि 4 नंबर तैयार हो जाएंगे, और वही क्वेश्चन, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो वही क्वेश्चन ही आ जाएंगे, मैं बोल दे रहा हूं, क्योंकि इतनी बुक से इकट्ठा किया है, मटेरियल है, तुमको वो क्वेश्चन ही मिल जाएगा। और अगर नहीं मिला तो उस जैसा मिल जाएगा जिस पैटर्न पे करवाऊंगा, बिल्कुल एक एक चीज को, बस उससे अगल बगल पटरी से मत उतरना, गलत नहीं होगा क्वेश्चन। और कोड है आज से आगे से यूज करो तो कभी बी कैम 10 ये वाला कोड रहने वाला है अपना। चलो जी आगे, अब हम चलते हैं अपना, ये वाला मामला मैंने करवा दिया है, और यहां मैं तुमको बता दे रहा हूं कि चैनल को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है, और सब्सक्राइब और शेयर कर देना सभी लोग एक बार। और हेट्रो एनएमआर के लिए कल मिलेंगे भाई, हेट्रो एनएमआर के साथ, हेट्रो एनएमआर इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, यहां अपने को कल मिलेंगे अपन 11 बजे सुबह में, कल अपन मिलेंगे सुबह में 11 बजे, बिल्कुल 11 बजे। एक लेक्चर हो चुका है, एक लेक्चर डन है, वो जाके देख लेना, ताकि पहले वाली कल वाली क्लास में तुम्हें मामला बढ़िया से समझ आए। 11 बजे मॉर्निंग में, 11 AM या 10:30 AM मिल जाएंगे। और तुम अगर कनेक्ट हो जाना भाई सोशल साइट पे, कहीं भी कनेक्ट हो जाना, वहाँ वीडियो का लिंक मिल जाता है, मैं पोस्ट करता रहता हूँ। आज भी पोस्ट किया था मैंने, जैसे ही क्लास शेड्यूल हुआ था उसका लिंक डाल दिया था, ठीक है, तो जाके ज्वाइन कर लेने का, देख लेने का, ठीक है, ओके। चलो जी, और वीडियो को क्या कर लो, चैनल को बेल आइकन का बटन दबा लो, प्रेस कर लो इसको, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कैसा था रे मामला तो बता दो एक बार सबसे पहले। थैंक्स बोल रहे हैं तौसिफ जी, धन्यवाद आपका भी, ठीक है। तुम दोनों स्पेशली कनेक्ट करोगे मुझसे, चलो, थैंक यू सो मच अनअकैडमी को, चैनल को अनअकैडमी CSIR नेट को सब्सक्राइब तो कर ही रखा है तुमने, बेल आइकन का बटन भी दबा लो, ये अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। एंड अपनी इस बार अपना जो तुम्हारा मामला है, जो नेट JRF गेट का सारा, और आज मैंने बताया भी था कि नेट का एग्जाम कब हो सकता है, इस पर भी बात किया था मैंने आज, CSIR नेट एग्जाम कब हो सकता है, इस पर भी बात किया था, इसका भी वीडियो मैंने डाल रखा है कब हो सकता है, ठीक है। तो ये मामले है तुम्हारे दिमाग में नहीं चलने चाहिए। थैंक यू सो मच, तुम बोल रहे हो तो बहुत बढ़िया है, और कल सुबह मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।